भाई अगर आप नहीं बैठेंगे तो कौन बैठेगा? आपकी हुकूमत पंजाब के अंदर, आपकी हुकूमत जो है वो केपी के अंदर, आप जहाँ से फ्लैश फ्लड आए हैं या जहाँ जाएंगे, ठीक है ना, सिंध तो अफेक्ट ही है उस चीज़ का। अब सिंध वालों ने तो बारिश नहीं कराई ना, सिंध वाले भी उसी तरह बेचारे लगे हैं, मैं उनको ढूंढने के लिए क्यों, जिन लोगों को पता नहीं है सिंध की मिट्टी का, उनको पता है चिकनी मिट्टी है, पानी जो खड़ा हो गया ये मतलब 6 महीने तक जज़ब नहीं होना ज़मीन के अंदर, वो भी भाग रहे हैं। आप जो है गलत किस्म के ट्वीट चला रहे हैं, आपके मिनिस्टर्स जो हैं वो उनको बगैर कन्फर्मेशन के आगे उसको पब्लिश कर रहे हैं, तो आप क्या मदद करेंगे? आपने हमेशा ये कहा कि हम सिंध वालों को पैसे नहीं देंगे, क्यों भाई? सिंध पाकिस्तान नहीं है। अच्छा, कश्मीर में आपकी हुकूमत है, जीबी में आपकी हुकूमत है, सिर्फ और सिर्फ तकलीफ तो आपको ये है कि सेंटर में आपकी हुकूमत नहीं है। तो यानी मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, वो लोगों ने एतराज़ किया, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि अगर फर्ज किया पीटीआई की एक बारात है तो बारात का दूल्हा जो है वो बाहर है और उसके साथी जो है सारे सारे गवर्नमेंट इन्जॉय कर रहे हैं, तो उस वजह से अब जो बाकी लोग हैं ना वो कह रहे हैं यार हमने पंजाब के अंदर बैठना था, वेला वेला फिर रहा है और बाकी नहीं, वेला नहीं फिर रहा है, ही इज वेरी बिजी एंड ही इज डूइंग हिज जॉब एंड ही डज दैट जॉब वेरी वेल, जलसा जुलूस की। सवाल ये है कि इसको कहाँ लेके जाना चाहेंगे आप? आप 2014 से सड़कों के ऊपर हैं, वो 4.25 साल निकाल देते हैं जब आप हुकूमत में थे, आपके पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए। वाई सिर्फ 2 मिनट ले लें, आपकी जो सियासी पॉलिसी है वो ये है कि मैंने जरदारी और शरीफ खानदान को गालियाँ देनी है, आपकी मौशी पॉलिसी ये थी कि पाकिस्तानी बाहर से पैसे देंगे तो मैं पाकिस्तान चलाऊंगा। इनकी खबरें लगी हैं कि रेमिटेंसेज आर रनिंग पाकिस्तान, दैट मीन्स ही कुड नॉट डू एनीथिंग। जो उन्होंने सोसाइटल वादे किए थे घर बनाने के, तनख्वाहें वो नौकरियां क्रिएट करने के, वो नहीं हुई। जो ताल्लुकात हैं इंपॉर्टेंट मुल्कों के साथ फॉरन, वो तबाह कर चुके हैं, इसलिए अब ये मीटिंग्स हो रही हैं और कोशिशें हो रही हैं। सवाल ये है कि खान साहब की न मुआशी पॉलिसी है न सियासी पॉलिसी है, मुआशरती पॉलिसी ये है कि इनके लाखों नहीं करोड़ों फॉलोअर्स हैं, दिन रात गालियां देने पे लगे हुए हैं बगैर सोचे समझे। एंड आई थिंक कि कल को खान साहब जिस वक्त फ़र्ज़ किया, वो माशाल्लाह 70वें साल में है, आखिर वो भी रिटायर होंगे, तो जो नफरत उन लोगों के दिलों में है जो इस वक्त 25 से लेके 35 तक हैं, वो नफरत क्यों कौन नीचे लेके जाएगा? आई एम वरीड फॉर दैट एंड दिस पार्टी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग टू काउंटर दिस।